गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम फिट एंड फाइन है। आज मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले पानी पीना है जीरे वाला। चेहरा मेरे को नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है भाई। सुबह 4 बजे सोई हूँ मैं, हम दोनों ही। ये रेडी है मेरा जीरा वाटर भाई, मैंने उस ग्लास में डाला ना तो ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने गर्म गर्म ग्लास पकड़ लिया, मेरा अंगूठा चल गया सीधे हाथ का। दिखाऊं विजिबल नहीं हो गया है यहाँ से, अगर ये दिख रहा हो तो रेड हो रहा है। ये चल गया यार, मैं क्या करूँ, मेरे साथ हो जाता है। फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, चाय मैंने सिम पे रख दी है, और बाकी बातें हैं कि रात को हमारे साथ क्या हुआ, भूख कैसे लगी, ये वो करके मैं आपको एग्ज़ाम देते टाइम बताऊँगी, मतलब एग्ज़ाम देने जाऊँगी जो रास्ते में बताऊँगी, तो अभी मैं रेडी हो जाऊँ, मैं लेट हो जाऊँगी यार। मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था, और ना 7:05 पे मैं उठी, मैंने सोचा यार 5-10 मिनट और सो जाती हूँ, 5-10 मिनट का 8 बजे में बदल गए पता ही नहीं लगा। एकदम से आँख खुली, मैंने कहा यार 10-15 मिनट हो गए मैं उठ जाती हूँ, फिर देखो 8 बज गई थी, 1 घंटा सीधा सीधा यूँ निकल गया पता ही नहीं लगी। ये रेडी है मेरी चाय, और आज मेरा मन था कि मैं पोहा खाऊंगी। मैंने रात को ये आंटी को बोल दिया था कि सुबह पोहा बनाना, तो मैंने सोचा जब उठूंगी ना तो चाय बनाएंगे, पोहा इतना रेडी हो जाएगा तो चाय और पोहा इकट्ठे खा लेंगे, पी लेंगे, खा पी लेंगे। तो अब भाई मेरे को तो चाय पहले चाहिए, क्योंकि मुझे नींद उड़ानी है और आंटी आएगी लेट, तो इसलिए मैंने सोचा चाय तो मैं पी लूँ, पोहा तो मैं रुका खा लूँगी, क्योंकि वो 8:30 आएगी, आधा पौना घंटा बनाने में भी लगी, तब तक तो मैं और झपकी ले रहे परेशान हो जाऊँगी, तो चाय तो यार नींद खोलने के लिए चाहिए। ये तो ऐसा समझ लो कि सुबह उठो तो ये पेट्रोल है, अगर आपको कोई काम करना है तो आपकी गाड़ी तभी चलेगी जब आप अंदर अपने पेट्रोल डालोगे। ये कोकोनट वाला बिस्किट, मैंने बताया था ना मुझे ऐसा मीठे मीठे बिस्किट पसंद है। ये तो मैं हाथ से खोलूँगी, दांत मेरा टूट ना जाए, ये सारी चीज़ें दांतों के जोर से ही खोलती हूँ, किसी दिन हाथ में आ जाएगा दांत। ये तो भाई सोए पड़े हैं, तो मैं अभी पढ़ लेती हूँ, फिर पोहा बनेगा जब आपको दिखाएंगे कैसा बना है। रिविज़न तो कर ली, बट अभी मेरा नहाना बाकी है, वो हमारा पोहा टेस्ट करेंगे अभी मैं कैसा है, मैं ही करूँ। आलू नहीं डाले? हाँ डाले हैं छोटे छोटे। बहुत अच्छा है, मैं चावल इसलिए बनाई थी, ये खाएंगे नहीं खाएंगे, बढ़िया है। पहले मैं इसलिए खा रही थी, एंड बाद में ना मेरे से रेडी होके ना ऐसे जीन्स वीन्स पहन के नहीं खाया जाता है, तसल्ली से बैठ के मैं रिलैक्स होकर खा लूँगी, फिर ना लूँगी। गाना तो गा के आओ, तेरे नाल प्यार वाला। 18 को 22 को मजेदार भाई जी, मैंने खा लिया गाइस, और अब मैं रेडी हूँ। मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस ये टॉप डिसाइडेड था, क्योंकि आज रेड कलर है तो मुझे ट्यूजडे है तो मुझे रेड कलर पहनना था, रेड कलर है तो मुझे ट्यूजडे पहनना था, नो आज ट्यूजडे है तो रेड कलर अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने भी पहना है। और ये एडिडास की टी शर्ट मुझे इन्होंने गिफ्ट करी थी मेरे बर्थडे पे, 24 ईयर की हुई हूँ मैं, 24 गिफ्ट किए थे इन्होंने मुझे, तो उसमें ऐसी 2 टी शर्ट भी थी, तो एक ही गिफ्ट में काउंट हुई थी। तो और जीन्स मैंने वही पहन ली यार, मुझे कुछ मिली नहीं, और नीचे रेड कलर की ये बैली, और इनको भी मैंने रेड पहनाया। लिपस्टिक मैंने सोचा रेड लगाऊंगी, पर चटकीला कलर यार एग्जाम्स में अच्छा नहीं लगता। और इयर रिंग मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि ना मुझे ना वीडियो बनानी है, कैमरा साफ नहीं, एक मिनट। यस, इयर रिंग मुझे मिल नहीं रही, मैंने इस टॉप के साथ एक सोचे थे, क्योंकि हमें गाड़ी में वीडियो बनानी है, एक तो वैसे तो तैयार होते नहीं, अब तैयार हुए हैं तो मैंने सोचा वीडियोस बना लेंगे गाड़ी में, एक दो जरूरी है यार वो, मेरे ना कंटेंट बन नहीं पा रहा। अब ऐसे मैं जींस टॉप बहुत रेयर ही पहनती हूँ, घर पर तो लोअर टी शर्ट तैयार भी नहीं थे, तैयार तो खैर मैं अभी भी नहीं हुई, लिपस्टिक लगाई है नॉर्मली बस, ठीक है रबड़ ले लेती हूँ, चोटी बनानी पड़ेगी। अब इयर रिंग यार और बहुत सारे अंदर है, मैं क्या निकालूँ, या तो कल वाले ही पहन लूँ जो येलो टी शर्ट के साथ पहने, फिर मैं सोच रही हूँ छोड़ पहन लेती हूँ यार, वीडियो बनाती हूँ अच्छा तो लगे, छोड़ छोड़ चलो देखते हैं, सोचती हूँ चले। एक सेकंड गाइस,
सो गाइस हम निकल चुके हैं। मैंने वो घर से तो वो इयररिंग्स पहन लिए थे, वो वाले जो मैंने उसके साथ पहने थे वो कुछ ऐसे थे, ऐसे तो मैंने पहन तो लिए थे पर अब मैं उतार दिए हैं क्योंकि मैं ये वाले पहनती हूँ। पहन लेती हूँ यार, ओए यार क्या है मेरे को, पहन लेती हूँ, एक आधी वीडियो बना लेंगे फिर रख देंगे। और हम CNG भरवाने रुके हैं रास्ते में, बस CNG भर गई है और फिर कॉलेज पहुँच जाएंगे और रास्ते में एक दो वीडियो बनाएंगे जो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो में, तो वो शाम में डल जाएगी, इस व्लॉग से पहले ही डाल दूंगी वो मैं घर जाकर एडिट करके, तो प्लीज़ उसे भी देख लेना। और मैं भी इयररिंग पहन के दिखाती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड की दुकान से लिए थे, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं उसकी, लेकिन सच में उसके पास कलेक्शन अच्छी है हर चीज़ की। यस तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं। अरे ये मेरे टी शर्ट के साथ है ना, इनका तो मुंह ही बन जाता है जब देखो, क्यों भाई सुंदर तो लग रहे हैं। In 400 meters, continue straight to stay on National Highway 352W. यार मेरे को तो बड़े मस्त लग रहे हैं, देखना चुमका बरेली वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ये बरेली वाले चुमके नहीं है, ये पंकी पुंकीज है। अब हम वीडियोस बनाएंगे, continue straight to stay on National Highway 3। दो चार वीडियो बनाएंगे, एक घर जाके बनाएंगे, गाड़ी वाले तो एक आ गए। मैं पहुंच चुकी हूँ गाइस और ये सब मुझे ऐसे साइड में देख रहे हैं क्योंकि मेरे यहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, जतन मेरे रोल नंबर देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं कि मैं व्लॉग कर रही हूँ या मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ किसी से, कुछ भी हो सकता है। ये इयररिंग मैंने पहने थे, मैं उतार रही हूँ, वीडियो बना लिया मैंने, शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया, जरूर से देख लेना, आपको दिखाते हैं एक मिनट। ये देखो जतन दिख रहे हैं आपको, वो रेड टी शर्ट वाले इधर के भी ये खड़े हैं और मेरा रोल नंबर ढूंढ रहे हैं बेचारे, इतनी कड़कती धूप में और मैं बढ़िया एसी के आगे बैठी हूँ। भाई इस चीज़ का पेपर है, जय हो विद्या माता की, पेपर अच्छा करा देना भगवान जी, मेरा जो याद है वो याद रहेगा, जो भूल गई वो भूल गई, अब सिंपल सा लॉजिक है, अब कितनी बारी पढ़ लेंगे हम। चलो ये रोल नंबर लेके आ जाते हैं फिर अपन चलते हैं एग्जाम देने। ओके एग्जाम दे के आती हूँ तो मिलती हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ कैसा नहीं मैं आपको बताती हूँ, नहीं मैं उतार के जाऊँगी। ओके बाय, विश मी लक, नेक्स्ट पेपर भी मेरा 18 को है, आ जाओ यार। तो मैं एंड ही कर देती हूँ, अभी आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, 1:30 बज गया यार, 5-7 मिनट ऊपर पहुंचने में भी लगते हैं, 1:45 टीचर्स आ जाते हैं, आते तो खैर वो 2 बजे हैं, 2:05 पे पेपर देंगे और साइन वाइन करते तक ऐसे फालतू की वो फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि एक एक पे वो शीट भरो ये करो वो करो करके, 2:30-3 तक ही हो जाते हैं और 5:30 बजे पेपर खींच लेते हैं। क्या गंदा सिस्टम है ये, या तो तुम 1:45 पेपर दे दो, 15 मिनट उसको शीट वीट को फिल करने में हो जाए ठीक है, 2 बजे सही क्वेश्चन पेपर दो, आंसर शीट जो वो दे दो तुम 1:45 ताकि बच्चा कम से कम वो तो फिल कर ले, वो क्या कौन सी होती है वो गोले गोले भर रहे होते हैं जो, और 15 मिनट में उसका वो सब हो जाए उसके बाद उसको क्वेश्चन पेपर दे दो ना, 2 बजे तो वो देंगी आंसर शीट ही आ गए और 2 बजे आंसर शीट मिलेगी, 2:15 तक बच्चा वो भरेगा, 15 मिनट उनकी फॉर्मेलिटी करेगा फिर वो क्वेश्चन पेपर बांटेंगे। देखा है क्या रूम है, 202 तगड़ी भीड़ थी पीछे तो यार, बहुत ही तगड़ी भीड़ थी, निकला है बस, सब देख रहे हैं मुझे, कौन सी ब्लॉगर है जो फोन उठा उठा के बार बार आगे पीछे घुमा घुमा दिखा रही है। वाओ हेलो गाइस, चलो भाई चलो अपन पहुंच चुके हैं, अपन चलते हैं। ओके बाय, मिलते हैं शाम को आफ्टर अ पेपर विद गन्ने का जूस। ओके बाय। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तूफान आया था ना परसों, उस चक्कर ना सारा बेचारे पेड़ पौधे सब गिर पड़े, तूफान आया था ना 10 तारीख को, यार पेपर था नहीं ना मेरा, पेपर तो पहले ही आया था, पेपर के बाद आया था मेरा, 8 को पेपर था, तूफान 10 को आया था। तो मैं ये बताती मेरा पेपर बढ़िया हुआ, और पेपर था कॉमर्स, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जिसके अंदर मुझे एकदम से अकाउंटिंग वगैरह जैसे टिप्स पे आती है, टिप्स पे तो वो मैंने कर लिया था, और मेरे हाथ की हालत कुछ ऐसी है भाई, ये बहुत ज्यादा ब्ली हो जाते हैं, दुखता है भाई, ये वाली उंगली से पेन दबता है ना, यहाँ बहुत चीज मच रही है अंगूठे पे, वो दर्द है, पेन से तब उठवा लूंगी, उठा दोगे नहीं, अब अपन को भूख लगी है, हम कहीं रोक के तो क्या चलते चलते खाएंगे, इन्हें मेरे को खिलानी पड़ेगी। और मेरी चप्पल टूट गई आज, मैं जैसे ही बेंच से उठी उसकी सोल निकल गई, भाई मैंने देखा यार क्या करूँ अब, मैं इसको लगड़ा के चलूँ कि हाथ में लूँ, फिर उसकी सोल ना हाथ में ही आ गई पूरी, तो मैंने कहा चल ऐसे तो चला जाएगा, सोल हाथ में ले लेते हो देखी जाएगी, मैं छुपा छुपा के ला रही थी कोई देख ना ले, और भाई मेरा पहले बेंच पे नंबर आया था, खिड़की में से गर्म हवा तो आ रही थी, वो आ रहे थे वो ऑरेंज ऑरेंज क्या होते हैं, ततैया भाई उसको और क्या बोलते हैं ना मुझे भी नहीं पता, ततैया आ रहा था भाई, इतने सारे कट्टे झुंड का झुंड
अब बार बार वो टीचर इतना ऐसे था कि उस तरह लड़की ने पूछा, सर लाइट नहीं आ रही, सिंपल नॉर्मल पूछा क्या, मेरे को कोई शौक है पंखे बंद करके रखने का, लाइट ना आ रही होती तो पंखे चल रहे होते, ये वो आ रही होती तो चल रहे होते, नहीं आ रही तो अभी तो बंद पड़े हैं। और सर मैंने पूछा था, क्या पूछा है, अपनी वो बढ़ाओ कैपेसिटी ऐसे बैठने की, डिसिप्लिन में रहा करो, अपने बदतमीजी कर रहे हो, बिना बात उसके चिपक गया, उसने कुछ कहा ही नहीं, उसको लगा बटन बंद है क्या, कह रहे बच्चों अपनी ना वो क्या कहते हैं विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ बैठ के आपको पेपर लिख रहे हैं, मौज मस्ती करनी है पंखे के नीचे बैठ के, बोले सर ऐसे तो कह रहे हैं डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या आपको 3 घंटे पेपर रखने, कितने भी बीच में ऑब्स्टिकल है सबको हटाओ, डिटर्मिनेशन विल पावर आप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो बेचारी पेपर करने लग गई, मैंने कहा ज्ञान बांट रहे इससे बेटर एक शांति रख ले क्लास में, बच्चों का ध्यान तेरी तरफ जा रहा है, ऐसे टीचर भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल कह दो बेटा लाइट नहीं आ रही, पढ़ो 10-15 मिनट का लेक्चर दे दिया डिटर्मिनेशन पे। मैं और डिस्टर्ब हो रही, मेरे बगल में बैठा था कुर्सी डाल के, क्योंकि फर्स्ट बेंच था मेरा, और खिड़की में थे इतने गंदे गंदे लाल चीटियां, भाई गवर्नमेंट कॉलेज का हिसाब तो गंदा ही है, पता कितने बजे लाइट आई थी, 3:45 के करीब, आधा टाइम था, 3 बजे भी क्यों, 4:15 के करीब, हाँ 4:15, भाई पंखे ही नहीं चल रहे थे हमारे, जनरेटर चलाया है 4:15 बजे तो जाके लाइट आई है, और इतना गंदा माहौल है यार गवर्नमेंट कॉलेज का, बच्चे हिराने पुराने उराने करते रहते हैं सारे, असल में तो पेपर देने से मतलब है, पेपर देते हैं निकल जाते हैं बस, लेकिन वो सीन गंदा था, मुझे लग रहा था मैं तो तैयार फाट गया ना, मेरी उंगली भी बैठ गया था पेन के चलते चलते, मैंने ऐसे करा, मेरे को ये डर था बस कहीं आस पास काट गया ना मैं परेशान हो जाऊंगी, मैंने पेंट भी पहले फोटम चुके नीचे इतना छोटा, कहीं एक आधा पेंट के अंदर घुस के कट गया तो मेरी तो ऐसे भी हो जाएगी ना, मैं किसी को बता लायक रहूंगी मेरे घुटने पे काट गया मेरे पैर पे काट गया, कैसे बताऊंगी अब वहां मैं पेपर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी, बड़ी मुश्किल है भाई बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर ठीक है पेपर अच्छा हो गया, बस सारा था तो मुझे एक क्वेश्चन आता था, बाकी रिजल्ट ही बताता है पेपर कैसे गए हैं, मेरी राइटिंग है ना यार, मेरी राइटिंग ऐसी है डॉक्टर को भी नहीं समझ आएगी मैं क्या लिख रही हूँ, बड़े गंदी राइटिंग है, आधे नंबर तो मेरे राइटिंग के कट जाते हैं, यार मेरे को भूख लगी है खाना खाने, गन्ने का जूस पीना है गन्ने का जूस, चलो खाली पेट के डकार आ रहे हैं मुझे, मैं घर जाऊंगी पहले खाना खाएंगे फिर गन्ने का जूस पीएंगे, घर जाएंगे चेंज करके फिर रिलैक्स लूंगी, पेपर मेरा 18 को है। ये हमारा लंच और ये बर्था, पिछले पेपर में बर्था ही लाए थे हम, मैं नहीं मतलब हम, क्योंकि ना बर्था ही एक ऐसी चीज है जो ना तो ज्यादा सूखा होता है ना ज्यादा ग्रेवी वाला होता है, इसके साथ रोटी बढ़िया तरीके से खाई जाती है। चलो अब मुझे इनको भी खिलानी है, खुद भी खाना है। ये आ चुके हैं हम अपनी पेट करने की जूस की दुकान पे, आज थर्ड पेपर है, तीनों में हम इसी से पी रहे हैं। ओ ये अंकल मुझे देखेंगे अब की क्या कर रही है, नहीं देख रहे तो बढ़िया है भाई, फिर आगे से हट जाओ यार, लोग बनाने दो, डिस्टर्ब करते हैं लोग, देखा कहीं ना देख रहे होंगे। चलो ये है वो दुकान भाई, बढ़िया जूस बनाते हैं भैया, मजा आ जाता है, एक नंबर इनका चटपटा होता है चटपटा, आज मेरे पास कैश है पता है, इससे पीछे मतलब लगातार 4-5 दुकानें हैं लाइन में, एक बूढ़े से अंकल थे मेरा मन था उनसे लेने का स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला मैं पेटीएम नहीं लेता, और कैश ना कुदरती उस दिन मैं उठा के आई थी ना जतिन, क्योंकि मेरे को तो पता है मुझे तो जुड़ती नहीं पड़ती, जब मेरे साथ पति जा रहा है मेरा तो मुझे क्या जुड़ता है, मैं रखती ही नहीं, एक गांव सेंटर कहीं और जा रहे हो तो मैं फिर भी अपनी जेब में रख लेती हूँ, घूमने घूमने जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो क्या ही रखती है, क्योंकि पर्स अंदर अलाउड होता नहीं, किट ले जाती हूँ पेंसिल की, वहाँ क्या पैसे लेके जाने मुझे, अकेले जाऊँ तो फिर भी रखो, पता है कैशियर साथ है क्लास के बाहर छोड़ते हैं, ऊपर तक छोड़ के आते हैं क्लास तक, और फिर लेने नहीं आते, लेने आते बिल्डिंग के नीचे खड़े मिल जाते हैं, लेकिन जाते टाइम तो पूरा क्लास तक, चाहे कैसे भी जाएं, निक्कर में जाएं पेंट में जाएंगे ऊपर तक पूरा क्लासरूम के बाहर तक, जब तक टीचर नहीं आएगा मेरे को बेंच नहीं मिलेगा, बंदा नहीं हिलता, देख रहे हैं इसकी, देख रहे हैं तारीफ कर रही हूँ मैं आपकी, सच बात है ना, यस सच बात है, इफेक्ट में कसम से ये नहीं जाते, तो इसीलिए भाई मेरे को कैश की जरूरत पड़ती नहीं, अगर पड़ती भी है तो मेरे जीपे में है, जीपे में ही नहीं गया, तो हम उन पे रुके थे बूटे, बैक टू द टॉपिक, बूटे अंकल पे रुके थे, हाँ ये मेरी दोस्ती तो है, तो हम हाँ तो हम रुके थे बूटे अंकल की दुकान पे, उन्होंने बोला कि कैश लूंगा पेटीएम नहीं लेता, तो मैं पेटीएम ही था, तो अब इसीलिए जो 3 दुकानों पे था ना सब में कैश था, तो हम पे कैश था नहीं तो इसी से पीने लग गए, आज मैं कैश भी लाई हूँ, बट इनका मन था कि ना इसी से पियेंगे, ये अच्छा बना रहा है, पता नहीं उन पे कैसा टेस्ट हो कैसा नहीं हो, अब जब पता है ये आ गई है तो इसी से पी लेते हैं, चलो ठीक है ये भी बात सही है। इनके फोन में मेरी आईडी खुली है, कई बार मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना इंस्टा पे रील डालती हूँ, ये मेरी आईडी से कमेंट करते ब्यूटीफुल बेबी मैं इनको फिर दिखती हूँ साइड इफेक्ट ऑफ माई आईडी,
भाई हटाओ, कह रहे डिलीट कर, मैं अपनी आईडी से करूंगा। होता है ना, मेरे फोन पे तो इनकी आईडी है ही नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी आईडी जरूर लॉगिन करती हूँ, मुझे बहुत बड़ी जरूरत पड़ जाती है। मेरा फोन हो वो क्या हो इनसे चलाना मायूस आ गया। थैंक यू भैया, दो दो अच्छा भाई। ये देखो मेरे सारे पैर पे बिखर गए, ये कैसे जी हूँ मैं भाई। तो सट ही सट पी जाते हैं, मेरे को टेस्ट लेके पीने में मजा आता है। और पता है मेरे पैर पे जो गिरा था ना, जो मैंने उसको ना साफ करने के लिए बोतल निकाली, मतलब उसका ढक्कन मैंने पता नहीं कहाँ गिर दिया। जैसे मैंने फटाफट से बोतल तो खोल ली, ढक्कन स्लिप होके गिर गया। मैंने कहा ढूंढने के वो बोतल पड़ी और भरी की भरी पानी की है, पानी कैसे बिखेर। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, उसको पैसे देने रुक गए थे। हाँ वो बोतल अब खुले की खुली यहाँ रखी हुई है, इधर रखी है नीचे वो रिप्ली। ऐसे ही अब इसका ढक्कन पता नहीं कब मिलेगा और मैं कब इसका ढक्कन ला दूंगी। बनी रहेगी जब तक पानी उछलता रहेगा, गाड़ी में गिरता रहेगा। इनसे बोले ढूंढ दो, ये ढूंढ नहीं रहे। मैं जूस पी रही हूँ, मैं आधा घंटा लूंगी जूस पी रहे, जब तक घर पहुंच जाएंगे। काम चोरी के बहाने है ये तो। कह दो कह दो, ये अपनी रेगुलर प्रॉब्लम से डील करते फिर रहे हैं। सर में दर्द, जुकाम, गए हैं हम घर वापस। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, ये तो आते ही लेट गए हैं। मेरा सिस्टम ये है कि मुझे अभी कपड़े बदलने हैं और फिर रेस्ट चाहिए, और सच में चाहिए। थक गई हूँ, मेरी आंखें जवाब दे गई हैं अब ना जाग जाग के। और रात की स्टोरी ये हुई थी कि ये तो सो गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे को लगा दिन में नहीं सोई रात में आ जाएगी, आई नहीं यार नींद। डिनर करने के बाद ना बस ऐसे ही हो गया कि वॉक करके आए और मैं पढ़ने बैठ गई, ये पबजी खेल के थोड़ी देर, फिर सो गए थोड़ी देर बाद ही। और मैं जागती रही 2-2.5 बजे तक। इतने में ना इनको भी एकदम से ऐसे हुआ कि मेरे को कह रहे थे मेरे को फ्रेश होके सोना है, पर इनको नींद आ गई। अब इनका प्रेशर बना बेचारे का, बेचारा उठ के भागा। फिर उसके बाद नींद नहीं आई इनको भी। 3:30, 3:30, 2:15 के करीब का टाइम होगा, तो इन्होंने बोला कि यार भूख लगी है मुझे ना बहुत तेज, अब उठ गए तो लगी है। मैंने कहा मुझे भी लग रही है भूख, जय माता दी, भूख तो मुझे भी लग रही है, अब क्या करें, चल बर्गर मंगाते हैं। फिर हमने बहुत सारे बर्गर के ऑप्शंस देखे खाने पीने के, कुछ मिला नहीं। बर्गर किंग खुला था घर के पास वाले मॉल का, हरीश बेकरी, जहाँ हम वॉक करने जाते हैं ना उसके बगल में आईनॉक्स मॉल है। तो जय माता दी, इनको जुकाम सर्द गर्म हो गया, तो वहाँ से हमने वो बर्गर मंगाया खाया। 3 बजे वो आया था, फिर 3:30, 4:15 हो गए थे। मेरे को तो उसके बाद भी 10-15 मिनट बाद नींद आई, सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के सोई थी मैं, ये तो सो गए थे तुरंत ही। ब्रो गॉड ब्लेस यू। 7 बजे का अलार्म जो मैंने लगाया था वो बजा, मैंने बंद कर दिया। मेरे को लगा भाई उठ रही हूँ, वो 8 बज गए, 8 बजे उठी। फिर मैं क्या ठीक है, फिर उठ के पेपर तो हो गया, अच्छा हो गया। अब इनको दवाई देती हूँ मैं, डोला दे दो, ला देती हूँ पानी गर्म करके लाऊ ना। कोसे से लोगे, सिंपल से लोगे। चलो इनको दवाई देते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने चेंज कर लिया है, टी शर्ट नहीं सिर्फ लोअर लवर, क्योंकि ना वॉक पे जाना था तो मैंने सोचा घर वाले बाद में कपड़े पहन लेंगे, अभी ये पहनी हुई है तो वॉक पे यही पहन के चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पसीने में है ना इसीलिए। और इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इनको स्नीजिंग ज्यादा हो रही है, हल्का हल्का फीवर है और वॉमिटिंग का मन भी है, तो इसीलिए इनके लिए आज बनवाई है मैंने खिचड़ी। और मेरा भी मन था कुछ हल्का खाने का, मुझे भी 2-4 दिन से ऐसा लाइट लाइट लो लो सा फील हो रहा है। बन गया आंटी पराठे, पापा के लिए बनाना बस दो है ना। और ये स्टीम निकल रही है, खिचड़ी रेडी है, सैलेड भी कट गया, खरबूजा भी होगा ना आंटी मेरा। हाँ बस मीठा था, मेरे को खरबूजा बहुत पसंद है। बढ़िया खरबूजा मीठा, खिचड़ी टेस्ट करेंगे, सिंपल सादी नमक मिर्च वाली खिचड़ी है। दही है हमारा डिनर, इसमें मैंने खिचड़ी ना कुकर से खाली कर ली थी और ये दही ले आए थे, तो ये हमारी खिचड़ी। और ये बाउल मम्मी ने दिया था ना वो है। ये मेरे कुछ फ्रूट फ्रूट और ये कुकुम्बर और क्या है ये मेलन और ये तारक मेहता। हम निकले हैं इस वॉक पे, आधी अधूरी वॉक, क्योंकि इनको दवाई दिलवानी थी, डॉक्टर यहीं पास में ही है। ठीक नहीं लग रहा ना आपको, इनकी तबीयत थोड़ी सी लो है यार, तो बस यही है, डॉक्टर उससे दवाई दिलवानेंगे और इतने हमारी थोड़ी बहुत पैदल वॉक भी हो जाएगी। केमिस्ट्री है वो, एक खुराक बनवा लेंगे, नहीं आया आराम तो सुबह डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना, फिर बड़ी जिद करके लाई हूँ, बहुत जिद्दी है ये, घर जाके बताऊंगी पूरी स्टोरी।
आगे दुकान, यहाँ गए हैं डॉक्टर की दुकान पे, मतलब केमिस्ट्री है। घूम के आ गए हम, दवाई भी ले लिया इन्होंने, दवाई दे। ओए मेरा कैमरा बड़ा साफ आ रहा है अभी, है इस लाइट में ज्यादा आएगा। फोकस लाइट, फोकस लाइट। वाह वाह, ये देखो ये पड़े हुए हैं इधर भाई, इनको चाय बना के देते हैं। टाइम हो रहा है 11:15, मेरी खुद तबीयत ढीली है यार, मैं क्या कर क्या की बेबी। इनके लिए चाय बनाते हैं अब। हाँ जी, अब चाय भी नहीं आपको, कितनी तबीयत खराब है आपकी। और क्या हो रहा है? जाने वाला हूँ। कहाँ? घूमने। कहाँ? कसोल बुला रहा है मुझे। कसोल बुला रहा है आपको, मुझे लेके चलोगे? क्या करें, दवाई ने प्रॉपर ले ली है। तारक मेहता हमने चलाया हुआ था तो हम देख के अभी अभी जस्ट फ्री हुए हैं। ओए, और अब मैं चाय बना के लाती हूँ इनके लिए। सर थोड़ी सी ना ये चाय की भाप ले लेंगे, नमक वमक वाली चाय इनके लिए बना दूंगी तो इनके लिए सही रहेगी। वो आधा कप मैं भी पी लूँगी इनके बहाने। पापा सो रहे हैं इसीलिए धीरे बोलना पड़ेगा। ओ वाह, मैंने एक ही बारी में लाइट जला ली, वो भी सही। ये खुशी, पहली बार शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस घर में सही बटन पर हाथ मारा, क्योंकि मैं वीडियो व्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो मैंने देखा उसमें कि फर्स्ट बटन है। दूध जो निकालना है इसमें से, फ्रिज में से। फ्रिज में सामान की तो कमी नहीं है, ये मैंने पापा के लिए रखा है, वो भी पता नहीं कब खाएंगे, इसको कहते रहते रख देना। ये रहा दूध, वो एयर गिर जाएगा ऐसे। तो कड़क से चाय बनाऊँगी इनके लिए ना, मैं ये वाली हल्दी यूज़ कर रही हूँ, ये अदरक वाली हल्दी, यानी अदरक की हल्दी कह लो या हल्दी की अदरक कह लो, कुछ भी कह लो, मैं इसको अदरक कहती हूँ, हल्दी वाली। तो ये अदरक है और इसके अंदर ना हल्दी वाला थोड़ा सा पिगमेंटेड है ये, लेकिन ये ना अगर बॉडी पेन हो या कुछ भी हो तो ये रिलीफ दे देती है। हल्दी वाला दूध पीते हो ना, अगर चाय में भी डालनी है तो ये सही रहती है, तो हमने ये लाई हुई है, बढ़िया रहती है। तो मैं इनको एक कड़क सी सौंफ, इलायची, अदरक, थोड़ा सा नमक, जो इनके गले में दर्द है ना वो ठीक हो जाए। चाय के अंदर एक पिंच सॉल्ट के डाल देते हो तो उससे जो गले का पेन है ना, जो कुछ भी जैसे नमक के पानी के गरारे करते हैं ना, पागल्स करते हैं, कलते हैं नहीं करते हैं, मेरी जीभ छाले हो रहे यार, मेरे मुँह में भी बनवा दो। वो कागल्स नमक के पानी से होते हैं और ये चाय के अंदर नमक डाल के पियोगे तो गला अपने आप खुल जाएगा। अब ये ना इस चाय की थोड़ी सी भाप ले लेंगे, कंबल में मुँह डाल के थोड़ी सी भाप ले लो, इससे जुकाम भी पकता है और पसीने वसीने भी आते हैं तो बुखार अपने आप ही उतर जाता है। तो दवाई तो ये ले ही चुके हैं, भाप लेके चाय को गर्म गर्म पी जाएंगे। 5-7 मिनट भाप लो और फिर उसी चाय को आप पी जाओ, ठीक है। लेकिन चाय ठंडी तो होगी नहीं क्योंकि वैसे भी गर्मी है और कंबल के अंदर पियोगे तो गर्मी में नहीं होती, ठंड में फिर भी जाती है। तो 2-4 मिनट भाप लेके बढ़िया अपना फिर सो जाएंगे। मैंने इनको कहा अपना सो ही जाओ यार, बीमार पता नहीं क्यों हो जाती है इनको, सर्द गर्म हो गई है। स्ट्रॉन्ग चाय बना के दूंगी, बढ़िया ठीक हो जाएंगे, एकदम एक नंबर, सुबह चकाचक उठेंगे। गाइस बताऊंगी मैं आपको इनकी तबीयत की अपडेट, मेरी चाय से कैसे इन पर क्विक रिलीफ मिलता है इनको। भाई ये रेडी है चाय, और ये देखो ये कितनी पिगमेंटेड थी कि मैंने सिर्फ कूटी थी, वो इससे ही अदरक कूटने वाला ये आता है ना, इसका स्टैंड, और ये ऊपर स्टैंड मुझे मिला नहीं तो मैंने यही ले लिया, इससे यहाँ कूटी। देखो पिगमेंटेड मेरे हाथों पे भी लग गई, यहाँ से उठा के मैंने चाय में डाली और लग गई। देखो पिगमेंटेड बहुत होती है ये इनको देते हैं। ये लो इसकी भाप ले लो, इसमें एक चुटकी नमक है और अदरक वाली हल्दी वाली अदरक है और बहुत सब चीज़ें हैं। लो धन्यवाद, मैं ना होती तो कुछ नहीं होता। अब पी लो इसको, एक सिप लेके देखना, खाने को दूंगी, पहले भाप तो लोगे ना। अच्छा एक सिप लो फिर चाय का, बढ़िया ठीक है। क्या खाओगे, बिस्किट दे दूं? ठीक है ये थैली भी ले लो, अगर कुछ खाओ तो मैं बिस्किट भी देती हूँ, बिस्किट देती हूँ। बिस्किट की फरमाइश आई है साहब जादे की, बिस्किट खिलाएंगे इन्हें। अरे मेरे पास बिस्किट भी बहुत सारे हैं, ये दो ले चलते हैं, कौन सा इनको खाने में अच्छा लगे। मुझे अपना जीरा वाला पानी भी भिगोना है। मैं भी ये लिट्टू हुए हैं, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है आप खा सकते हो। कोकोनट है, खोल लो क्योंकि खोलने तो दोनों ही पड़ेंगे।
मैं जीरा वाटर भिगो कह रही हूँ। गर्मी कितनी है यार, मैंने तो टी शर्ट अभी तक भी नहीं बदली। वॉक पे तो खैर गर्मी है पर टी शर्ट भी नहीं बदली। गिलास चाहिए हम का गिलास। मैं अपनी किचन का टोर देती हूँ आपको। ये वो वाली वीडियो चल रही है, क्या होती है वो, ASMR क्या होती है वो, जो भी होती है वो चल रही है क्या ये? ये पानी भिगो दो, जीरा होगा यहाँ। मैंने ना एक हैंड टॉवल टांगा हुआ है, ये यहाँ भी एक ऐसे स्टिकर वाला उल्टा करके लगाया हुआ है ताकि इनमें छेद न कराना पड़े। हैंड टॉवल टांग लो। यहाँ मेरी गैस है तो मुझे, और यहीं जस्ट यहीं पर ये है, इसमें गंदे बर्तन, इसमें साफ बर्तन। तो ये दो खिड़की हैं, हैंड टॉवल बहुत काम आता है, यहाँ से हाथ धो या कुछ लगभग जाए तो यहीं से ही सीधा साफ कर लो, है ना। अच्छे अच्छे जुगाड़ मेरे। जीरा यहाँ भी बहुत कुछ रखा हुआ है भाई, मैंने एक उधर भी है इसके जस्ट साइड में। इसमें तो अलग सामान है, इसमें सारे मसाले वगैरह होंगे। और भी दिखाऊँ? चलो दिखा देती हूँ। उसमें तो ग्लास थे, देखा आप सबने। इसमें इधर दालें वाले हैं सब में, और ऊपर अपना स्टॉक है सब चीज़ों का। इधर एक ये छोटू सा है, इसके अंदर भी यूज़फुल चीज़ें जो भी छोटी मोटी डेली में आ जाती हैं। इसके अंदर स्टॉक है फिर से अगेन, चीनी, नमक, पत्ती, बॉर्नविटा और ये रोज़ा वगैरह। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें भी कोई खाने पीने का सामान, ग्राइंडर एंड ऑल सब जो भी हो। ये देखो, ये यहाँ खेलना पड़ा रहता है। हाँ जी आ रहा हूँ। मैं किचन टूर दे रहा था जबकि कुछ है नहीं टूर देने लायक, सामान दिखा रहा था बस अपना। ये बॉक्सेस में भी कुछ नहीं आया, वो मेरे बिना चाय नहीं पियेंगे। मैं एक तरह होया हूँ, हालांकि मैंने अपनी बनाई नहीं पर वो फिर भी मेरे बिना नहीं पीते। उनको ना मेरे चाहिए कि मेरे पास बैठ रहे, कहीं जाऊँ, स्पेशली जब वो बीमार होते हैं ना तब उनको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं फटाफट से जाना पड़ेगा, मुझे भिगो दिया है मैंने। और एक चीज़ दिखाऊँ, एक सेकेंड, जीरा बिखेर दिया मैंने थोड़ा सा। ये नुशा, इनको सिंक में फेंकेंगे अभी लेके। ये भिगो दिया है, इसके अंदर भी दिखाई देती हूँ वैसे फटाफट। ये काऊ को तो रोटी देते ना, उसके लिए हमने पेपर रखे हुए हैं। इसके अंदर प्लास्टिक के बर्तन, कॉफ़ी वगैरह हो गए। इसके अंदर तो वही खाने पीने का, फिर निकल गई तू। इसके अंदर बर्तन, इसके अंदर भी बर्तन हुए, शोर करते हैं बर्तन कढ़ाई। इसके अंदर कांच के कप वगैरह मिल जाएंगे। इसके अंदर भी बर्तन, इसके अंदर ऐसा सामान, आटा वाटा, ये सब यूज़फुल चीज़ें जो भी होती हैं, दिए वे भी रखे हुए हैं हमने। ये तो सिंक के नीचे का एरिया है, और यहाँ भी सामान तो है अपना, ये जूसर है। और इसके अंदर ये यहाँ से खुलता है, किचन डाइनिंग सेट वगैरह है, प्लेट्स हो गई बड़ी बड़ी जो मतलब कभी कभी बर्तन निकलते हैं ना वो। इसके अंदर प्लेट, इसके अंदर ऐसे वाला सामान। हर मैं ये थक गई दिखा दिखा के, किचन तो हो रही है मेरा। ये कटोरीज, इसके अंदर ट्रे वगैरह रख लेते हैं हम, चकला बेलना ट्रेज। बस ऐसा ही है यार इसका, बस इतना ही था मेरा किचन टूर। अब मैं जो चली कटोरी, अब इसको समेटती हूँ मैं। डन ब्रो, मैं फ्री हूँ। ओए लाइट पहले बंद कर दी, लाइट बंद कर दी है, गेट की कुंडी लगाती हूँ, खा रही हूँ बिस्किट, एक ले लूँगी। अब बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया, चाय सही बनी है। नमक का टेस्ट आ नहीं रहा ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, बाय बाय, ये खाना। नहीं नहीं प्लस प्लीज प्लीज, बस मैं तारक मेहता चल रहा है। आज मैंने पढ़ने की छुट्टी, कल से पढ़ेंगे, दो तीन छुट्टी है 18 तक भी, इको का पेपर है मेरा। दवाई ये ले चुके हैं, चाय भी पी रहे हैं आप अपन, फ्री फ्री है। मैं एक ओएस खाऊंगी, मेरा मन है यार। मैंने ना खिचड़ी खाई थी, फिक्की थी वो यार, मन ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिली मसाले वाला को। पर यार पता है आपको, आप सब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये मांगते प्याज टमाटर वाली हैवी वाली खिचड़ी, इनको लग रही थी वॉमिटिंग। अब भाई अगर प्याज टमाटर वाली कुछ हैवी खाना तो सब्जी रोटी खा लो, बात वो अलग है, निकल गई क्योंकि आपका पहले ही जी खराब हो रहा था, है
ना, और कुछ हल्का ही खाना होता है इस टाइम पे ना, बट इसको इनको चाहिए कि कुछ चटपटा हो जाए, लाइक गोलगप्पे मोमो ये सब ठीक है खा लो यार, लेकिन खाना एटलीस्ट वो खाओ जो आपको हजम हो डाइजेस्ट हो। आपने ही बोला था गोलगप्पे खाने चलेगी जब मैंने मना करा, अच्छा मेरी कैसा हुआ मैंने मना करा इनको, मैंने कहा आज धन्य तो कल देखते हैं, अभी तबीयत खराब है आपकी, मेरी भी ढिल्ली है यार, साथ रह के इन्फेक्शन हो ही जाता है भाई, तो मैं इनको मना कर रही थी और दवाई लेने नहीं जा रहे थे भाई, जिद कर करके कि भाई मैं भी थकी हुई हूँ उठ जाओ आधे घंटे बाद, आप 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद, मुश्किल उठाया है, बगल में दुकान थी सोसाइटी से बाहर निकलते ही लेके आए और बड़ी मस्से दी है इनको, छुपा छुपा के बच्चे होते हैं ना, नहीं अभी नहीं लेनी अभी नहीं लेनी, 10 मिनट बाद या फिर ले ली झूठ मूठ की हाथ में मुट्ठी में रख ली, वो काम है इनके। अब चाय भी बड़ी मुश्किल बना के देंगे, पी ले भैया थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ओए देखा तो करो क्या कर रहे हो, अभी एसी चला लेंगे हैं, एसी मत चलाना बस, अब यही है अपना सीन की ये सर्द गर्म से मुक्त हो फटाफट, इनके सर्द गर्म का रीजन ये भी है सुबह एसी चल रहा होता है कड़ाके तार एकदम चिल्ड, और ये भगते जाते हैं वॉशरूम में सीधा, और वॉशरूम में आधा घंटा लगाते हैं और इनको आते हैं भयंकर वाले पसीने, और वॉशरूम हमारा तपा हुआ होता है एकदम सुबह के टाइम ना, वेंटिलेशन है लेकिन धूप बहुत तगड़ी आती है हमारे वॉशरूम में, बस ये नवाब जाते पसीने में पसीने टपकते टपकते नहा के आएंगे पसीने में और एसी के आगे वही बीमार तो यही होंगे हम थोड़ी होंगे। तो मैं ये बताती थी कि आज के लिए इतना ही, हमारा सब कुछ हो चुका है, अब अपन सीधा सोएंगे क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ, इन्होंने भी दवाई लिया तो ये भी नींद अवस्था में जाने की कगार पे है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं कल। हाँ खिचड़ी वाली बात तो दूर ही रह गई, खिचड़ी कहते कि प्याज टमाटर वाली खिचड़ी मांग रही थी, मैंने बोला ऐसे वाली खा लो नॉर्मल दही के साथ खा लो या कैसे खा लो तो असर तो करे, क्या कह के जबरदस्ती वो खिलाई है, बट सच बताऊं आंटी ने वो अच्छी नहीं बनाई, मतलब शक्ल ही नहीं भाई मुझे तो उसकी, मैंने भी ब्लॉग में एडिट क्लिप ली है तो आप देखना, ना टेस्ट आया ना बस ठीक है, अपना ऐसे पेट भरने को तो था बस, टेस्ट के लिए खा कौन रहा था, पेट भर रहा था बस, वो भी नहीं भरा यार, छोड़ो अब क्या करें। तो कहाँ लाइक कमेंट तो मैंने बोल दिया था, सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं कल, बाय बाय कर दो।